नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नजर की एक खास खबर। प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जीत को लेकर जोड़ तोड़ चल रहे हैं। इसी बीच एक चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल खिलाड़ी विनेश फोगाट के नाम पर राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट को लेकर बयान दिया तो जेपी दलाल भड़क गए। उन्होंने जहां मंच से हुड्डा की क्लास लगाई तो वहीं कांग्रेस की भी पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी। देश को कहते हैं हम ये करेंगे। हुड्डा साहब, अगर आप सच्चे दिल से अगर खिलाड़ियों का सम्मान करते हो तो विनेश को कलोई से चुनाव लड़ाओ इंडिपेंडेंट। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि हमारा कैंडिडेट, हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। और हम विनेश को ही क्यों, हमारे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनका भी आप समर्थन करो, हम भी करेंगे। राजनीति से ऊपर उठो, आप राजनीति मत करिए, खिलाड़ियों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए। आप विनेश हमारे भिवानी की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, भारत की बेटी है। आप समझते हो कि विनेश के दम पर आप वोट लेंगे। आप अगर सही बहाने में विनेश का भला चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो, आज ही आप सम्मान का प्रोग्राम कर रहे हो रोहतक के अंदर, आप घोषणा करें। आप तो मुख्यमंत्री बनने के लाइन में लगे हो, हरियाणा की जनता आपको कहीं बढ़ाएगी नहीं। लेकिन गड़ी सांपला कलोई से विनेश को कहो कि इंडिपेंडेंट फार्म भरे। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि वो भी उसका समर्थन करेगा, तब आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि आप राजनीति करना चाहते हो या सिर्फ वोट लेना चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो। इसी